और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंगना रनौत की। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। दोनों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। सुशांत सिंह केस, बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन, मूवी माफिया, इन तमाम मामलों को लेकर कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ जी भर कर भड़ास निकाली थी। पलटवार में उद्धव सरकार ने कंगना का दफ्तर ढहाया, FIR दर्ज हुई और अब बारी पूछताछ की है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों वार पलटवार के ऐसे ही दौर चल रहे हैं। कंगना के खिलाफ दर्ज हुए राजद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भेज दिया है। कंगना की बहन रंगोली को भी समन भेजा गया है। कंगना से 26 अक्टूबर और रंगोली से 27 अक्टूबर को पूछताछ होगी। लेकिन कंगना के तेवर इतने पर भी ठंडे नहीं हुए हैं। अपने दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद जिस तरह उन्होंने उद्धव सरकार पर जुबानी हमलों की बौछार की थी, वही अंदाज इस समन के बाद भी है। पेंगुइन सेना के दिमाग में और कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र के पप्पू समर्थकों, बहुत याद आती है कंगना। कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। कंगना के खिलाफ ये FIR कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। कृषि कानून के विरोध को लेकर कंगना ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया था, उसे आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कंगना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया था। मुंबई में जारी शह और मात के इस खेल के बीच कंगना अपने गृह राज्य हिमाचल में हैं। पिछली बार जब वो हिमाचल से मुंबई आई थीं, तब उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला था। इस बार भी उनकी वापसी से पहले वैसा ही धमाकेदार माहौल बनने लगा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।